ये लो अब्बा वहाब, ये तुम खुद ही रख लो। क्या तुम मुझसे ये तोहफा नहीं लो? जिस चीज का मुझे पता नहीं उसका कबूल करना हिमागत है। ये मेरा अमामा, जूते और चादर है। क्या मैं अमीर हूँ जो तुम चाहते हो कि मुझे दे दो? तुम मेरे चचाजाद हो और अपनों के साथ नेकी करना अच्छा होता है। काश तुम ये नेकी किसी और के साथ करते मेरे आका। क्यों अब्बा वहाब? क्योंकि औरों को इसकी ज्यादा जरूरत है मेरे आका। मेरे पास ऐसे जूते मौजूद हैं जो मेरे पैरों को संग्रेजों से महफूज रखते हैं, और ये अमामा है जो धूप से मेरे सर को बचाता है, और मेरे पास एक लंबी चादर भी लेकिन है। लेकिन मेरा ये तोहफा तुम्हारे लिए है, क्या तुम अपने बुजुर्ग के तोहफे को रद्द कर दोगे? ये कैसी खिलाफत है कि जिसके तोहफे अमामे, जूते और चादर पर खत्म हो जाते हैं? अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दिल के राज बयान कर दूं। कौन से राज हैं? मैं चाहता हूं कि एक मुर्गी की दुकान खोलूं। मुर्गी खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे? अरे ये है ना मेरे पास। एक दिरहम के साथ? बहलूल, ए अबा वहाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुझे तुमसे एक काम है। बताओ क्या काम है तुम्हें? मुझे 5 टोकरियां चाहिए। 5 टोकरी किस लिए चाहिए? मैंने अपनी जमीन की कुछ चीजें इसमें रखकर बेचनी है। चीजें रखकर बेचनी है। क्या 3 टोकरियां काफी नहीं है? ठीक है, अगर कम है तो ना होने से तो बेहतर है। लाओ मुझे दो। कितने पैसे दे दूं इसके? इनकी कीमत तुम्हारी जमीन के महसूल की कुछ मकदार। ठीक है, मुझे कबूल है। खुदा तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। आटा और किशमिश है तुम्हारे पास एहसास? आपको कैसे पता चला आका? क्या तुम्हें मेरी होशियारी पर कोई शक है? नहीं जनाब, मुझे बिल्कुल शक नहीं आपकी होशियारी पर। जनाब सच पूछो तो मुझे बहुत ताज्जुब है कि तुम पहली मर्तबा किसी दुकान से सौदा लेकर उसके पैसे दे रहे हो। बुरा नहीं मानो साहब, क्या तुम अब तक ऐसा नहीं कर रहे थे? मैं तमाम उमूर में सिर्फ काजी से ही डरता हूँ। मैं खुदा के हुक्म को उसके बंदों पर जारी करता हूँ एहसास। मेरा मतलब आप नहीं थे, कसम खाता हूँ मेरा मतलब आप नहीं थे। मुझे अब तक समझ नहीं आया कि तुम कैसे मुर्गी की दुकान एक दिरहम से खोलना चाहते हो। कारोबार एक ही मुर्गी से शुरू होता है। तो मुझे इंतजार करना होगा कि एक मुर्गी से दुकान कब खुलेगी? तुम औरतें किस कदर बेसब्री होती हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जनाब। कहो क्या चाहते हो? ये जो मेरे हाथ में है इसने मुझे हैरान कर रखा है। बताओ क्या है तुम्हारे हाथ में? मैं इसलिए आया हूँ कि आप मुझे परेशानी से निकाल दें। ओह क्या अजीब और गरीब सुबह है, बताओ क्यों परेशान हो? ये दिरहम जो मेरे हाथ में है ना कोई कीमत रखता है कि मैं इसको अपने हाथ में रखूं, ना इस कदर बेकीमत है कि इसको फेंक दूं। इसलिए मैंने इसको संभाल कर रखा है, शायद कभी मेरे काम आ जाए। अब और परेशान मत हो कि अभी तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी। भाग मेरे घोड़े, अय्या भाग मेरे घोड़े। अबा वहाब, क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारे जैसे लोग कभी खुशखबरी नहीं देते बल्कि बुरी खबर सुनाते हैं। मैंने सुना है बहुत जल्द खलीफा तुम्हें इस इलाके का अमीर बना रहा है। फिर तमाम गधों और खच्चरों को जमा करो।
क्यों तमाम मखलूकात में तुमने जानवरों को चुन लिया? हाँ, इसलिए कि वो जानवर ज्यादा वफादार होते हैं और इंसानों की इताअत करते हैं। यानी तुम जानवरों के अमीर बनोगे? हाँ, और आज से तुम्हें भी मेरी इताअत करना होगी, समझे? चल मेरे घोड़े चल। मैं तुम्हें मार डालूंगा, एक दिन तुम्हें मार डालूंगा। क्या यही तुम्हारी दौलत है मुजाहिम? ये चूजा बहुत जल्द मुर्गी बनेगा और मुर्गी से बहुत से अंडे होंगे। इसके पर और गोश्त भी हैं, तो हमारे लिए कोई बोझ नहीं होगा। अच्छा, इसको खिलाओगे क्या? इब्राहिम की जमीन से इसके लिए गिजा लाऊंगा। इसकी परवरिश की जगह भी वही है, ठीक है ना? इब्राहिम की जमीन। फिर अपनी उंगलियां गिन रहे हो मुजाहिम? बताओ, सब कुछ अपनी जगह पर है? मैं नतीजे पर पहुंच रहा था। नतीजे से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी दुकान की मुर्गियों को गिन रहा था। कौन सी मुर्गियां? हमारे पास एक से ज्यादा मुर्गी नहीं है। अगर मुझे गिनने देती तो मैं तुम्हें नतीजे से आगाह करता। बताओ मुझे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छी तरह सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हमारे पास एक मुर्गी और 5 अंडे हैं। कुछ दिनों बाद 15 अंडे हो जाएंगे। 15 अंडे बनने के बाद हमारी मुर्गी उन पर बैठेगी। अच्छी तरह सुनो, फिर अंडों से बच्चे निकलेंगे, सब बड़े होकर अंडे देने वाली मुर्गियां बनेंगी। खूब अच्छी तरह सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। और उस दिन मेरी ख्वाहिश होगी कि एक मेहरबान बीवी हो जो मेरी मदद करे, समझी? इन दुम्बों को देखें मेरे आका। ओह, इन्होंने क्या हमें नहीं पहचाना? पहचान लिया लेकिन नजरअंदाज कर दिया। वाह ओ इस पर, ये मेरे चुंगल से एक दफा भागा था लेकिन बहलून ने इसको बचाया था। क्या कहा? ठीक है, अब आपकी बारी है मेरे आका। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। तशरीफ लाएं। अपने आका को खुशामदीद नहीं कहोगे? जी आका, खुशामदीद। तुम्हें नहीं मालूम, ये खलीफा के वजीर हैं। जी मेरे आका, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए मेरे आका, खुशामदीद, तशरीफ रखिए, खुशामदीद। क्या खाने को दिल चाहता है मेरे आका? तुम्हारे आका हारून रशीद यहाँ से 1 मील दूर हैं और तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। आपको और खलीफा को मेरे घर में खुशामदीद। ठीक है, खलीफा को क्या पेश करोगे? मैं अपना दिल, अपनी जान खलीफा पर कुर्बान कर दूंगा। हमें तुम्हारा दिलो जान नहीं बल्कि तुम्हारे दुम्बे चाहिए। ये दुम्बे मेरा जरिया माश है सरकार। क्या कहा? इनमें से एक आका को तोहफतन नहीं पेश करोगे? अल्लाह ना करे सरकार। ओ, जब कहता है अल्लाह ना करे तो इसका मतलब है एक दो नहीं, सारे के सारे कुर्बान करेगा। यानी फिर इनमें से एक खलीफा के लिए है तुम्हारी तरफ से? लेकिन मेरे आका। चुप, तुम एक नाकाबिल फरामोश तोहफा वापस लोगे। दुम्बा तो तुमने खलीफा को दे दिया और अब अपने मेहमान खलीफा के वजीर को क्या दोगे? हाय खुदा, किस जंजाल में फंस गया। महलूल कहाँ हो तुम? मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। जवाब क्यों नहीं देते? अपना मुंह खोलो, बात करो, बताओ वजीर को क्या तोहफा दोगे?
अपने बीवी बच्चों का आज का खाना वजीर को दे दूंगा। वाह हो तुम पर, खलीफा को एक दुम्बा दे रहे हो और मुझे एक चरवाहे की गिजा। आप जो चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ। दर हकीकत मुझे बकरी का गोश्त बहुत पसंद है। वो जो आपको पसंद है वो आपको जरूर मिलेगा मेरे आका, लेकिन आप मुझे भूल गए हैं। ऐसा नहीं है, देखो अब इसके साथ कुछ रियायत करो। खलीफा को इसने एक दुम्बा दे दिया, मुझे एक बकरी। अब ये अपनी मुर्गी से चाहे तुझे जो भी दे और चाहे तो उसका पैसा भी ले। चलो मुझे कबूल है, बताओ एक दुम्बे की कीमत क्या होगी? 10 दिरहम। 10 दिरहम अवाम के लिए और 5 दिरहम खवास के लिए, और शहर के दारोगा को जो लोगों की खिदमत करता है उसको कितना देना होगा? मैं 3 दिरहम देने को तैयार हूँ। 1 दिरहम और इजाफा करने को तैयार है। ए घोड़े, अब तुझे नहर करना होगा। लेकिन अभी तो मुझे तेरी बहुत जरूरत है। चल भाग निकल। अबा वाहब, अबा वाहब। आ रुको, काम है तुमसे। मुझे याद नहीं कि तुम मेरे पास आए थे। एक दफा, बस एक दफा। मैंने एक मुर्गी ले ली। मुर्गी? चलो तुम्हें उसका गोश्त और पर मुबारक हो और वो सलामत रहे। लेकिन मैं उसके अंडों का क्या करूं? उसके अंडे किसी और की निगहदाश्त में हुए थे। तुम्हें ये किसने बताया है? मैंने ऐसे ही ख्याल किया था। ए मुजाहिम, तुमने नहीं बताया मुझसे क्या काम था। मुझे खुद एक जरूरी काम याद आ गया। मुझे यकीन नहीं आता जो तुम कह रहे हो अनफ। खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, ऐसा ही हुआ है। क्या तुम यहाँ लोगों को दुम्बे बांटने के लिए बैठे हो? तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ, या वजीर को देना पड़ता या दारोगा को? होना तो ये चाहिए था कि तुम अपने जानवरों की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करो। अब तो बहुत देर हो चुकी है। नहीं, तुम खलीफा से उनकी शिकायत करो। औरत, अहनफ के हाथ खलीफा तक नहीं पहुँच सकते, चुपचाप इसको सहना पड़ेगा। जब तक वो जानवर वापस नहीं मिल जाते मैं चुप नहीं रहूंगी। कैसे वापस ले लूं, वो तो कबाब बन गए होंगे। उन्हें नुकसान का बदला देना होगा। ये कैसे हो सकता है? सुनो, एक हल है इसका। हल से तुम्हारा मतलब बहलोल है? हाँ बिल्कुल, बहलोल। इब्राहिम, इब्राहिम, मेरी मुर्गी और उसके अंडे कहाँ हैं? तुम उसके मालिक हो, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। बात को मत घुमाओ, कहाँ है मेरी मुर्गी और उसके अंडे? वहीं जहाँ तुम छोड़ कर गए थे। लेकिन वहाँ पर नहीं है। ये तुम्हारी परेशानी। तुम ही वाहिद शख्स हो जिसे इस बारे में पता था। शायद किसी लोमड़ी ने खा लिया हो तुम्हारी मुर्गी। और वहाँ 20 से ज्यादा अंडे भी थे मेरे। शायद सांप निकल गया हो। क्या बकवास कर रहे हो, एक सांप 20 अंडे निकल सकता है क्या? क्यों नहीं, अगर भूखा हो तो इससे भी ज्यादा अंडे निकल सकता है। तुम झूठ का सहारा मत लो। इब्राहिम, मेरी मुर्गी और अंडे वापस कर दो, वरना काजी जुने से शिकायत करूंगा। पिछले कई महीनों से, कई हफ्तों से, और एक एक दिन गिनकर, एक एक घंटा गिनकर मैं इस मऊ दिन का इंतजार कर रहा हूँ। कौन है जो इस आधी रात को दरवाजा खटखटा रहा है? फकीर हूँ जो खाने का मोहताज है। खाना नहीं है घर पर। फिर आप मुझे थोड़ा सा गंदुम और रोटी दे दें। गंदुम और रोटी भी नहीं है मेरे पास, हत्ता के कतरा तेल भी नहीं है।
मैं खुद आ रहा हूँ। या अल्लाह, अहनव, तुम रात के इस पहर किस लिए यहाँ आए हो? एक जरूरी काम है तुमसे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम दोबारा भिखारी बन गए हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं वाकई भिखारी बन जाऊंगा। एक मसला पैदा हो गया है जिसने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गौर से सुनो अहनव, अकलमंद इंसान एक दफा नहीं दो दफा ठोकर खाता है, लेकिन तुम तो तीसरी दफा भी ठोकर खा गए हो। इसकी वजह मेरी बेवकूफी नहीं, बल्कि दरअसल मैं एक दूसरी मुश्किल में पड़ गया था। बताओ क्या मुश्किल है वो? मैंने सुना है कि आपका वजीर अपने घर को बेचना चाहता है। सही सुना है। उस घर को मैं खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर मेरे पास पैसे ना होते तो मैं आपके पास नहीं आता। मुझे वो घर चाहिए। क्या वाकई तुम देना चाहते हो? हाँ, वाकई मैं वो घर खरीदना चाहता हूँ। तुम अपना घर कितने में बेचोगे? 1,00,000 दिरहम है सरकार। मुझे ये सौदा मंजूर है। जाओ 1,00,000 दिरहम ले आओ। मुझे ये डर है कहीं अपनी बात से मुकर ना जाए। जब ये आमादा है तो ये अपनी बात से हरगिज नहीं करेगा। चलो खैर है, इंशाल्लाह जो भी इसने मांगा है वो लेकर आऊंगा। चल मेरे घोड़े। एक पूरा साल गुजर गया, महीनों के बाद महीने, दिनों के बाद दिन, घंटों के बाद घंटे गुजर गए। मैं इस मौत दिन का इंतजार कर रहा हूँ। आधी रात गुजर गई है और तुम अभी तक जाग रहे हो? नींद मेरी आंखों से बहुत दूर चली गई है। सिर्फ एक मुर्गी और चंद अंडों के लिए? उफ, क्या इससे बेहतर कोई सर्वतोमाल और दौलत हो सकती है? पूरा एक साल गुजर गया है, मैं एक एक दिन उंगलियों पर गिनकर गुजार रहा हूँ। एक के बाद दूसरा दिन मैं एक मौत दिन का बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। कौन से दिन का वादा मुजाहिम? वो खुशकिस्मत दिन जब हमारी मुर्गी की अपनी दुकान होगी है, और फिर हर गुजरे दिन के साथ हमारी दौलत में इजाफा होता जाएगा। मुमकिन है तुम्हारी मुर्गी को लोमड़ी नहीं खा लिया। खामोश रहे ए औरत, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुर्गी और अंडे उस चोर के पास ही हैं। मैं उसकी शिकायत करने जा रहा हूँ काजी के पास। मेरे साथ ज्यादा बहस ना कर वरना मैं। ये खलीफा हारून रशीद का मामा है, क्या आप इससे इनकार करते हैं जनाब? हरगिज नहीं। ये खलीफा हारून का अमामा है और हम सब इसे पहचानते हैं, और इसे ये जुमे और ईदों के मौके पर पहनता है। आपके ख्याल में इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत बहुत ही कम है, यानी इसकी कीमत 50,000 दिरहम रखी है। इस कीमत से कम में हरगिज सौदा नहीं हो सकता। अब ये आका रशीद के अख्तियार में है, और ये जनाब हारून रशीद के सर की टोपी है जो ये सर पर पहनता है, जिसे ये हमेशा नमाज पंजगाना और कजा वक्त के वक्त इस्तेमाल करता है। तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या कीमत होगी वजीर? मैं ये तुम्हें 40,000 दिरहम में दे दूंगा। बहुत कम कीमत है इसकी। ये पकड़े आका। और ये हमारे आका हारून रशीद के जूते हैं, जो ये किसी खास मौके पर या खुतबा देते वक्त पहना करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो मैं इसकी कीमत और कम करता हूँ, आपको 30,000 दिरहम देता हूँ। इस तरह जमान मैंने आपको 1,20,000 दिरहम दे दिए। इसके बजाय 1,00,000 का घर ले रहा हूँ और 20,000 दिरहम बख्श रहा हूँ। अब तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। मेरे आका, क्या ये इंसाफ है? ए वजीर, तुमने ये मामला कबूल किया था, अब क्यों खलीफा की चीजें लेने में हिचकिचा रहे हो? ये सारे काम तो खुदा की मर्जी से होते हैं। तुमने जरूर कोई गलती की होगी। तुम अपनी इस गलती की इसलाह करो या फिर अपना घर बैलूल के हवाले कर दो। मुझे इसका घर नहीं चाहिए, बस मुझे वो 6 दुम्बे चाहिए जो इसने उस गरीब चरवाहे से लिए हैं, और वो बेचारा बाहर खड़ा है। तुम्हारे इस वजीर ने उस गरीब चरवाहे के 2 दुम्बे गसब कर लिए, बस अब चरवाहे का नुकसान पूरा करना होगा। बैलूल को जो चाहिए इसे दे दो। अब वहाब, मुझे बताओ तो सही, इन दुम्बों की क्या कहानी है? आखिर माजरा क्या है? मेरे आका, कहानी बहुत तवील है, मैं बाद में इसे सुनाऊंगा। यकीन से कहता हूँ कहानी सुनने के बाद इस वजीर की शान और इज्जत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है क्या?
मैं काजी के पास शिकायत करने जा रहा हूँ। वाह हो तुम पर, वो यकीनन तुम्हारे खिलाफ ही फैसला करेगा मजाहिम। फिर किसके पास जाऊँ? तुम्हारे ख्याल में इतने बड़े पेट वाले थे, तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारे हक में फैसला दे और कोई हिचकिचाहट महसूस ना करे? फिर तुम ही मेरी कुछ मदद करो साहब। आखिरी लम्हे तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंतकाम का वक्त आ गया है इब्राहिम, मैं इंतकाम लूंगा तुमसे। आओ ये काजी जुनैद है, आओ इसके पास चलते हैं। मुर्गी तो मजाहिम ही की है लेकिन अंडे इब्राहिम के होंगे। आप तो जानते हैं आका, मजाहिम बेचारा एक गरीब आदमी है, यही मुर्गी और अंडे ही इसकी रोजी का जरिया है। यानी तुम चाहते हो कि मैं हक के खिलाफ कोई फैसला दे दूं? आप काजी मोहतरम हक को किसी भी सिफ्त में फेर सकते हो। लेकिन सिर्फ इस दफा साहब। याद रहे जनाब आली, मजाहिम मेरे खास दोस्तों में से है और दुनिया में लोग फैसले मसलहत की बुनियाद पर करते हैं। तो तुम मेरे फैसलों पर शक कर रहे हो साहब? मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ, मैंने तो सिर्फ मुश्किल बयान की है और जानता हूँ कि सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। वो तो ठीक है मगर मुझे आपके फैसलों पे कोई शक नहीं मेरे आका। जल्दी से जाकर इब्राहिम को मेरे पास ले आओ। चल मेरे घोड़े, चल जल्दी, चल चल जल्दी चल। यहाँ से फौरन चला जा पागल, तेरे यहाँ आने से रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दरवाजा? कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे भी अपनी तरह बेवकूफ समझ रहे हो जो मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो? मेरे रिस्क का दरवाजा वहाँ है जहाँ तुम खड़े हो। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में दूसरों को पागल बनाते हैं और खुद अपने पागलपन से बेखबर है। मुझे बताओ जरार, तुम कब से यहाँ मुर्गियाँ बेच रहे हो? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम इस जगह के मालिक हो। और तुम भी तो मालिकों की तरह जवाब दे रहे हो, और फिर दरवाजा भी बना दिया तुमने यहाँ पर। क्या मतलब है तुम्हारा वो पागल? हाँ पागल वो है जो ये सोचता है कि यहाँ पर मुर्गियाँ रखने से ये जगह उसकी हो गई। चल मेरे घोड़े। हाँ तो क्या कहते हो तुम? मोहतरम काजी साहब, जब मजाहिम इन मुर्गियों को मेरे पास लाया था तो ये चूजे थे, मैं इन्हें अपने घर रखने पर तैयार न था। मैंने बहुत मुश्किल से रजामंदी जाहिर की और इन्हें खूब अच्छी तरह खिला पिला कर बड़ा किया, और ये जब बड़े हुए तो इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए। मुर्गियों को अभी भी रखा हुआ है लेकिन उनके अंडों को अपने लिए उठा लिया है। आप खुद बताएं काजी साहब, क्या मुझे इतना भी हक हासिल नहीं कि मैं जिसने इनको खिला पिला कर इतना बड़ा किया उनसे कोई फायदा हासिल कर सकूं? यानी तुम अपने आप को खुद ही दूसरों के अम्वाल गसब करने का हक दे रहे हो इब्राहिम? लेकिन दूसरों को भी मेरी चीजों पर हक नहीं है ना? इन मुर्गियों को हक है कि ये जहाँ चाहे रहें और जहाँ इनका दिल चाहता है ये खाएं और पिएं, लेकिन फिर भी अपने मालिक की होकर रहें। मैं बचपन से बगदाद में रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद लोग मुझे गुरगान का रहने वाला समझकर बुलाते हैं, क्योंकि मैं गुरगान में पैदा हुआ हूँ और हर इंसान को अपनी जाय विलादत की जगह पर लौटना है। तुमने उनसे क्या कहा? मैंने उससे कहा अगर मेरी मुर्गी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने क्या कहा? कहने लगा मुर्गी तो शुरू से ही मेरे घर में रह रही थी। फिर तुमने उससे क्या कहा? मैंने उससे कहा काजी के हुक्म को दिमाग में रखो जिसमें उसने कहा है कि मुर्गी चाहे जहाँ खाए पिए और रहे, आखिरकार वो अपने मालिक की ही मलकियत होती है। दरअसल साद, जब मैंने देखा कि तुम्हारे पास सौदा लेने के बाद उसके पैसे भी हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। बहरहाल ये बताओ कि तुम्हें मेरा फैसला कैसा लगा साद? क्या बात है मेरे आका, आप हमेशा से सच बोल रहे हैं। एक बात का मुझे पूरा यकीन है साद, जब मुजाहिम की मुर्गियाँ और बड़ी होंगी तो वो खुद ही समझ लेगा कि मैंने सही फैसला सुनाया है, क्योंकि वो सारी की सारी मुर्गियाँ हमारी होंगी। मुझे यकीन है आका कि मुर्गियाँ जब और बड़ी होंगी तो वो खुद चलकर आपके पास आएंगी और आपका शुक्रिया अदा करेंगी।
मेरी जमीन मजाहिम की मुर्गियों का घर बन चुकी है और वो मेरे पास मौजूद एक जगह पर खाती पीती रहती हैं। इस सिलसिले में तुम्हारे पास कुछ मदद के लिए आया हूँ कि वो जो कुछ नाइंसाफी मेरे साथ कर रहे हैं तुम उनके फरेब का जवाब देने के लिए कोई तरीका मुझे बताओ। मैं कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगे अबाब। दो दुम्बे लेने के पैसे होंगे तुम्हारे पास? नहीं मेरे दोस्त, पैसे तो नहीं है। लेकिन बताओ तो सही, मुझे दुम्बे किस लिए चाहिए तुम्हें? वो मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ सोच कर तुमसे बात करूँगा। देखो क्या लाया हूँ मैं, हमारी मुर्गी के दिए हुए अंडे। ये तो इब्राहिम के घर पर पली हुई मुर्गियों के अंडे हैं। ये अंडे हरगिज़ उसके नहीं बल्कि हमारे हैं, काजी ने भी फैसला दिया है। लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकती। अफसोस है तुम पर है औरत, तुम्हें काजी के हुक्म पर भी शक है? मेरी मुर्गी और उसके चूजे कहीं भी रहें, कहीं भी खाएं पिए, उन पर सिर्फ मेरा हक है। या अल्लाह मुझे सीधी राह पर चलने की हिदायत फरमा और मुझे सेहत अता फरमा। मैं अपने काम तेरे सुपुर्द करता हूँ। ऐ सब रहम करने वालों से ज्यादा रहीम, ऐ सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान मेरे रब, मेरी मदद फरमा ताकि मैं मजलूम के हक को जालिम से छीन कर उसके जुल्म से निजात दिलाऊं। बेशक तू ही है जो हर किसी की दुआ को सुनता है, हर किसी की इल्तिजा को सुनता है। तुझे मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद का वास्ता। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लाओ ये रस्सी, मुझे पकड़ाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अपने घर को बताओ क्या हुआ मेरे घर? बहलूल क्या हुआ? वो तुम्बों को लाकर आपके बाग के फूल पौधे खिला रहा है। हाय मेरे खुदा, हाय मेरे खुदा, हाय मेरे खुदा। आपने देखा इस पागल ने मेरे घर में क्या किया है? इसने मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में तुम्बों को लाकर मेरे बाग के तमाम फूल पौधे खराब कर दिए हैं। उस घर का मालिक मुख्तार बनकर इसने वहाँ तुम्बों को लाकर रख दिया है। दुम्बो का मालिक और मुख्तार होने के नाते मैं जब चाहूँ और जहाँ चाहूँ इन्हें ले जा सकता हूँ, ये मेरी मर्जी और मेरा हक है। मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने उन दुम्बो को दोबारा मेरे घर की सैर कराई तो मैं उन दोनों दुम्बो पर कब्जा कर लूँगा। अच्छा ये बताओ किसने तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने का कहा है? मैंने अपने बाग के फूल पौधों का नुकसान पूरा करने के लिए ऐसा कहा है। कैसे काजी हो तुम?
मेरे दुम्बों को तुम अपने घर में आने की इजाजत नहीं देते, लेकिन मजाहिम की मुर्गियों को इब्राहिम की जमीन पर रहने की इजाजत दे देते हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ, यानी मैं ऐसा कर सकता हूँ। यही मैं ऐसा कर सकता हूँ। तुम्हें लोगों के लिए कानून और शरीयत के मुताबिक फैसला देना चाहिए, न कि अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, मैं उस पहले वाले फैसले को बातिल करा देता हूँ। क्यों आप अपने हुक्म को बातिल कर रहे हैं जनाब काजी? मेरा फैसला अब यह है कि उन मुर्गियों और अंडों में से आधा हिस्सा मजाहिम का और आधा हिस्सा इब्राहिम का होगा। क्या तुम दोनों इस तरह राजी हो? हाँ जनाब। अब तुम दोनों जा सकते हो। चले जाओ, अब तुम दोनों जा सकते हो। हाँ बताओ वो दुम्बे, क्या मामला है? या बाबा, दुम्बों का मालिक यही बैठा है। अगर चाहूँ तो क्या उनमें से एक दुम्बा तुम्हें दे सकता हूँ या नहीं, तुम दोनों बेहतर जानते हो। मैं चलता हूँ, चल मेरे घोड़े। क्या वाकई तुम उन दुम्बों के मालिक हो? बाबा बाबा, अगर वाकई तुम ही हो तो बहुत अफसोस है तुम पर। क्या तुम बहलोल से मिले हुए? नहीं, बल्कि मैं तो आपके फायदे की सोच रहा था। हाँ, मैं तो उस इत्तेफाक से डर रहा हूँ जो शायद आपके साथ पेश आ जाता। हाँ, तुम किस खतरनाक इत्तेफाक की बात कर रहे हो? ये लोग आपकी शिकायत काजुल कुज़्ज़ा से करते, और फिर वो तो मेरे लिए मलकुल मौत बन गए हैं, यानी अबा वहब और काजुल कुज़्ज़ा इब्ने सकीत।